Salam, Namaste and a very good afternoon to all my lovely viewers. You are watching Roy Meraki. Welcome to my YouTube channel. और आज का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा हल्का फुल्का मेंटेनेंस के ऊपर है. मैं मेंटेनेंस तो ठीक नहीं कहूँगा, ये थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में मैंने ऐसा वीडियोज नहीं देखा. तो ये जो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले है, आपको नीचे लाइन देख के तो शायद से समझ आ ही गया होगा. अगर नहीं आया होगा तो ये जो ड्रम ब्रेक है ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बात नहीं करूंगा, ये कोई भी मोटरसाइकिल में सस्ता वाला यूजुअली में ऐसा ड्रम ब्रेक रहता है. तो अभी ड्रम ब्रेक जैसे कि आपको मालूम है डिस्क ब्रेक जैसा परफॉर्मेंस नहीं देंगे. बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि ड्रम ब्रेक का वाला मोटरसाइकिल खरीद के वो डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करे, क्योंकि कभी कभी ये करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और कभी कभी अप्रोप्रिएट मॉड्स आपको बाजार में नहीं मिलता. तो दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल समटाइम्स कि लोग डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करे. मेरे साथ भी यही हुआ है. हालांकि मेरे पास बुलेट 500 है, चाहूँ तो इसको मैं ये गन मेटल जो 350 है या स्टैंडर्ड या थंडरबर्ड का मैं झूला लगा करके इसको पीछे डिस्क ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने में 17,000 रुपए का खर्चा है. अगर आप कोई मैकेनिक से करवाते हो तो उसका लेबर चार्ज भी अलग रहेगा. तो इट इज समटाइम्स नॉट वेरी फिजिबल. और ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी मोटरसाइकिल इसके लिए. जरूरी नहीं हो कि रॉयल एनफील्ड का ही मोटरसाइकिल होना चाहिए. हम लोगों का जो मोटरसाइकिल स्पेशली रॉयल एनफील्ड, उसमें अगर आप किसी के पास है तो आपको मालूम होगा कि सामने जो डिस्क ब्रेक है वो ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल का वेट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये वीडियो जो है आप अंत तक ज़रूर देखना. तो ये वीडियो चालू करते हैं और चलते हैं मोटरसाइकिल के पास. तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरा बाइक ऑलरेडी खुला हुआ है. इसका पीछे का टायर है नहीं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा मेंटेन कर रहा था और इसको थोड़ा मैंने क्लीन भी किया, क्योंकि लास्ट राइड जो मैंने किया था दार्जिलिंग का तो उससे थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैं इसको साफ़ किया. इसलिए सोचा कि कभी एक मेंटेनेंस करूंगा तो इसका भी एक वीडियो बना लूं. ये इसका पीछे का ड्रम ब्रेक है, तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं. यहाँ से जैसे कि ये अभी ओपन हो गया, ये दो अलग अलग हिस्सा होता है इसका. ये स्प्रिंग है, इसको अलग से मैं रखता हूँ. अभी मैं दिखाता हूँ कि इसमें करना क्या होगा. टूल्स जो चाहिए होगा आपको वो है ऐसा, अगर आपके पास ऐसा टूल है तो चलेगा. आप खुद से करना चाहते हो, अगर आप चिजल एंड हैमर का इस्तेमाल कर सकते हो तो भी कर सकते हो. तो आप ऐसे ऐसे करके टोक भी सकते हो इसको ताकि थोड़ा डेंट्स बैठ जाए. ज़रूरी नहीं है ये काम आप खुद से करो. आपके पास अगर अप्रोप्रिएट टूल या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना मैकेनिक को भी बोल सकते हो, हर चीज़ आपको करके दे, वो लोग करके देंगे. यूजुअली मैकेनिक लोग क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से घिसते हैं. अभी सैंड पेपर से घिसना इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे, क्योंकि वो कुछ 100-200 किलोमीटर के बाद वो फिर से प्लेन हो जाता है. तो इसको द आइडिया इज़ टू मेक सम ग्रूव्स. अभी मैं ग्रूव्स बनाने वाला हूँ इसमें, तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे ग्रूव बना रहा हूँ. और हाँ, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है ये एस्बेस्टर मटेरियल से बनता है, एंड एस्बेस्टर एज यू ऑल वुड नो इज हाईली कार्सिनोजेनिक. और कार्सिनोजेनिक होने के कारण इससे कैंसर होने का बड़ा खतरा है. जब भी आप ऐसा कुछ काम करो या आपका मैकेनिक ऐसा कोई काम करे तो जरूर उसको कर कहना कि एक क्लॉथ मटेरियल ले और अच्छे से मुंह में रैप कर ले, ताकि इसका जो डस्ट है वो गलती से आप इनहेल ना कर बैठो, बिकॉज इट इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. अगर आप घर पे कर रहे हो तो मेक श्योर यू गो टू सम आउटडोर प्लेस लाइक आई एम गोइंग टू डू इन माई टेरेस. मैं घर पे नहीं करने वाला, क्योंकि इसका जो डस्ट है वो बहुत ही खतरनाक है. तो आउटसाइड एरिया में करना इज हाईली रिकमेंडेड बाय मी. ओके. तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे ये रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें ऐसे ग्रूव्स बनाए तिरछा. आप कैसे भी ग्रूव बना सकते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन ग्रूव्स हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ग्रूव्स. ऐसा अगर ग्रूव्स बनाते हो तो कोई काम का नहीं आएगा, तो ऐसा ग्रूव मत बनाना. बाकी आप पैरेलल कैसे भी आप ग्रूव बना सकते हो. अभी ये इसका कहने का ज़रूरी नहीं है और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि ग्रूव क्यों चाहिए होगा. सेम रीज़न कि मोटरसाइकिल का जो टायर है उसमें ग्रूव रहता है, जूता जो हम लोग पहनते हैं उसमें भी ग्रूव रहता है, और जबकि डिस्क ब्रेक में डिस्क का पैड आता है उसमें भी ग्रूव रहता है. मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई भी कंपनी ऐसा ड्रम पैड ग्रूव वाला क्यों नहीं बनाता, जबकि बनाना चाहिए. और क्योंकि ये बन के नहीं आता तो आप ऐसे कैसे भी बना सकते हो. सैंड पेपर से घिसो मत, उसको घिस के ज़्यादा फायदा भी होगा नहीं. कभी कभी आपको मेंटेन करना होगा बाद में, तो अभी लेकिन ये चलेगा अभी लंबा. कभी भी आपको लगे कि
ड्रम ब्रेक अभी फिर से ढीला हो रहा है ज़्यादा, मतलब बाइट फोर्स नहीं है, तो आप इसको निकाल के ये पर्टिकुलर जो छेद बनाया मैंने चैनल्स, इसको ठीक से साफ भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बाद में ये एस्बेस्टस डर्ट कलेक्ट होके ये जो ग्रूव है ये ग्रूव फिल हो जाएगा। अभी ये वीडियो जो है बहुत ही सिंपल रखा, ये वीडियो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता, इसलिए टायर का जो ओपनिंग है और इसको अभी मैं फिटिंग करने वाला हूँ उसका मैं दिखा नहीं रहा, क्योंकि आई वांट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट। ऐसे वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे हर जगह, तो इसलिए मैंने वो वीडियो इसका ये इलाबोरेट करते हुए वो सब नहीं बताया। दिस इज अ वेरी शॉर्ट ट्रिक, आप जरूर इसको एक बार अप्लाई करना और देखना कि आपका जो ड्रम ब्रेक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव होने वाला है, डिस्क ब्रेक जैसा ही इम्प्रूव होगा इफ नॉट लेस। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरा चैनल नया है, आप लोग मुझे जानते नहीं होंगे इसलिए शायद से मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये आप एक बार करके देखिए, आप निराश नहीं होंगे। विद दैट सेड गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट में अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर वो बताना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस एंड राइट सेफ।